हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता ही, हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मेन फीचर्स ऑफ ट्रिम। ट्रिम के मेन फीचर कौन कौन से हैं? टू ऑफर फेयर ट्रीटमेंट एंड ऑल सच फैसिलिटीज़ टू ऑल फॉरेन इन्वेस्टर एज आर वेरी अवेलेबल टू देयर डोमेस्टिक इन्वेस्टर। मतलब मेन जो फीचर्स होता है ट्रिम का, वो एक फीचर्स तो यही है कि हर, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो चाहे वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो, उन लोगों को फेयर ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए और उन सबको सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। टू रिमूव रेस्ट्रिक्शन ऑन रिपार्टिएशन ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी बाय मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं डिविडेंड पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में, रॉयल्टी पे करने में, वो सारे को रिमूव करना। टू अलाउ 100% फॉरेन इक्विटी पार्टिसिपेशन इन सर्टेन केसेज। बहुत सारे केसेज में वो लोग क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्टिसिपेशन होता है उसको 100% तक भी ले जाते हैं। नो रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग एरिया दैट फॉरेन कंपनीज कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन एनी एरिया और प्लेस। उन लोगों पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे, फॉरेन इन्वेस्टर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया है कि आप इस एरिया में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। वो लोग किसी भी एरिया में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये कुछ फीचर्स हैं हमारे ट्रिम के। होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फिर भी किसी को कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू।